गुड मॉर्निंग एवरी वन हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो स्टूडेंट्स इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फोर एंड वी हैव कंप्लीटेड टिल द क्वेश्चन नंबर एट एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज तो आज हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फोर में से ठीक है सो लेट्स विद टूडेज मैथ्स क्लास सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्टीन and एंड क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन फिफ्टीन और नाइनटीन क्लास वर्क में और बाकी बच्चे क्वेश्चंस फोर्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन और ट्वेंटी ये सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं होमवर्क में ठीक है

तो हमने कल सीखा था कि हाउ टू मल्टीप्लाई बाय अ टू डिजिट मल्टीप्लायर सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द सेम कॉन्सेप्ट सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन वी हैव टू मल्टीप्लाई टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर बाय थर्टी फाइव ओके सो टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर इज द मल्टीप्लीकेट एंड थर्टी फाइव इज आर मल्टीप्लायर नाउ यूज द कॉलम मेथड टू डू दी मल्टीप्लीकेशन सो जो मल्टीप्लायर है उसको ऊपर लिखो फिर मल्टीप्लीकेशन साइन दो और फिर जो मल्टीप्लायर है वो लिखो तो अब टू डिजिट मल्टीप्लायर होता है तो हम क्या करते हैं हम पहले जो मल्टीप्लायर है उसका जो वंस प्ले उसका जो वंस प्लेस का डिजिट है उससे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे ओके फिर टेंस प्लेस का जो डिजिट है हमारे मल्टीप्लायर का उससे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमारे मल्टीप्लिकेंट को ठीक है तो पहले हम वंस प्लेस के डिजिट से शुरू करेंगे वंस प्लेस में क्या है फाइव सो फोर मल्टीप्लाइड बाय फाइव फोर फाइव ज ट्वेंटी सो वी विल राइट ज़ीरो अंडर दंस प्लेस कॉलम एंड टू विल बी टेकन एज द कैरी टू देंथ प्लेस सो टू इज़ द कैरी दैट्स वाई वी विल सर्कल इट फाइव मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो द मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो सो so, जीरो आया प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्लस द कैरी सो ज़ीरो प्लस टू इज इक्वल टू हाउ मच इट इज इक्वल टू टू सो टें प्लेस के कॉलम में आंसर में लिखो टू नेक्स्ट हंड्रेड प्लेस में क्या है डिजिट थ्री मल्टीप्लीकेट की डिजिट क्या है थ्री थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव थ्री फाइव जा फिफ्टीन सो आंसर में लिखेंगे हम फाइव और वन जाएगा कैरी टू द थाउजेंड प्लेस नाउ थाउजेंड प्लेस में क्या है टू सो टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव टू फाइव जा द कैरी वन दैट इज इलेवन सो द प्रोडक्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय फाइव इज इक्वल टू इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी नाउ नेक्स्ट टें प्लस डिजिट है मल्टीप्लायर की थ्री तो हम अब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे मल्टीप्लिकेंट को ये जो मल्टीप्लिकेंट है उसको अब हमने थ्री से मल्टीप्लाई करना है सो वेन एवर वी मल्टीप्लाई बाय टेंस प्लस डिजिट ऑफ आर मल्टीप्लायर वी हैव टू राइट ज़ीरो अंडर दी वन्स प्लेस कॉलम जब भी हम टेंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लायर के तब हमने क्या करना होता है यहाँ पे जो वंस प्लेस का डिजिट वंस प्लेस है उसके नीचे क्या लिखना होता है वंस प्लस में जीरो लिखना होता है अब मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री फोर थ्री जार ट्वेल्व सो आंसर में लिखेंगे टू टेंस प्लस के कॉलम के नीचे और कैरी कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लिकेंट में जो टेंस प्लस है उसके ऊपर हम लिखेंगे कैरी वन सो कैरी वन हम सेकेंड रो में लिखेंगे या फर्स्ट रो में नहीं लिखेंगे फर्स्ट रो में जो कैरी आते हैं वो वन प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं और जो टेंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाले कैरी करने के बाद जो कैरी आएंगे वो हम इसके ऊपर वाली रो में लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन से टाइम कौन सा कैरी ऐड करना है ठीक है सो अब वन्स प्लेस का मल्टीप्लिकेशन हो गया अभी टेंस प्लेस टेंस प्लेस में है जीरो जीरो मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो जीरो प्लस दिस कैरी नॉट दिस कैरी जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन सो हंड्रेड प्लेस के नीचे आंसर में लिखेंगे वन नाउ नेक्स्ट प्लेस इज हंड्रेड प्लेस हंड्रेड प्लेस में क्या है यहाँ पे थ्री थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री 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 इज अन सो आंसर में हम लिखेंगे नाइन अंडर दी थाउजेंड प्लेस कॉलम now at thousands place we have digit 2 in the multiplicand so 2 multiplied by 3 2 3 is 6 so under the thousands place column in the answer we will write 6 okay now we have done multiplication by both the digits बस हमने दोनों डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर लिया है अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे सो जीरो प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो टू प्लस टू इज़ फोर फाइव प्लस वन इज़ सिक्स वन प्लस नाइन इज़ टेन एंड कैरी आएगा वन वन प्लस वन टू सिक्स प्लस टू इज़ एट सो द प्रोडक्ट इज एटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी

वी विल राइट दल्टीप्लीकेंट इन दॉप देन वी विल गिव द मल्टीप्लीकेशन साइन एंड देन वी विल राइट दी मल्टीप्लायर अब टू डिजिट मल्टीप्लायर होता है तब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं तब हम जो वंस प्लस का डिजिट है मल्टीप्लायर का वंस प्लस का डिजिट उससे हमारे मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम क्या करेंगे फिर हम हमारा जो टें प्लस का डिजिट है मल्टीप्लायर का उससे भी हमारे मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनका हम सम फाइंड आउट करेंगे सम मतलब एडिशन करके जो रिजल्ट आता है वो फाइंड आउट करेंगे एंड दैट विल बी आर फाइनल प्रोडक्ट ओके सबको याद हो गए क्या स्टेप्स है व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय अ टू डिजिट मल्टीप्लायर सो लेट्स बिगिन हियर इन वन प्लेस वी हैव डिजिट फोर

ना हंड्रेड प्लेस की डिजिट क्या है मल्टीप्लीकेंट की थ्री सॉरी हंड्रेड प्लेस की डिजिट क्या है मल्टीप्लीकेट की टू टू मल्टीप्लाइड बाय फोर टू फोर जा एट एट प्लस दिस कैरी कैरी को ऐड करना भूलना नहीं है एट प्लस दिस कैरी इज इक्वल टू हाउ मच इज इक्वल टू इलेवन सो अंडर दी हंड्रेड प्लस कॉलम इन आंसर वी विल राइट वन एंड Another one will be taken as the carry to the thousands place. Now, in thousand place, we have digit 3 over here. 3 multiplied by 4. 3 4s are 12. 12 plus this carry is equal to 13. So, we will write 13 as it is in the answer. So, in 13, 3 will be written under the thousand place column, and 1 will be written under the ten thousands place column. ठीक है थ्री कहा जाएगा थाउजेंड प्लेस के नीचे थ्री आएगा और वन कहा जाएगा टेन थाउजेंड प्लेस के नीचे जाएगा ठीक है प्लस प्लस क्या कर लेंगे हम अब जो सेकेंड प्लेस uh, का जो डिजिट है मल्टीप्लायर का उससे जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो यहां पे हमने प्लस करना है तो टेंथ प्लेस का डिजिट क्या है मल्टीप्लायर के टें प्लेस का डिजिट क्या है यहाँ पे टू नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय टू टू आर मल्टीप्लीके बट टू इज एट विच प्लेस टू इज एट टेंथ प्लेस सो बिकॉज टू इज एट टेंथ प्लेस वी हैव टू राइट जीरो अंडर दंस प्लेस वंस प्लेस में क्या लिखेंगे हम आंसर में पहले वंस प्लेस में पहले आंसर में हम एक ज़ीरो लिखेंगे और फिर उसके बाद हम हमारा एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे ओके ये ज़ीरो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आप ये ज़ीरो लिखना भूल गए तो आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन का वो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा तो जब भी आप टेंथ प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप याद रखना है यू हैव टू कीप इन माइंड कि यू हैव टू राइट वन ज़ीरो अंडर दी वंस प्लस कॉलम इन द आंसर वाइल मल्टीप्लाइंग बाई दी टें प्लस डिजिट ऑफ आर मल्टीप्लायर जब भी टेंस प्लस के डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लायर के तब हमने ये वंस प्लस में क्या लिखना है जीरो लेट्स बिगिन द मल्टीप्लीकेशन वन मल्टीप्लाइड बाय टू वन मल्टीप्लाइड बाय टू इज इक्वल टू टू सो टेंस प्लस के नीचे आंसर में हम लिखेंगे टू ना टेंथ प्लेस में क्या है मल्टीप्लीकेंट के मल्टीप्लीकेंट के टेंथ प्लेस में है एट एट मल्टीप्लाइड बाई टू एट टू जा सिक्सटीन सो वी विल राइट सिक्स अंडर द दंड्रेड प्लेस कॉलम इन द आंसर एंड वन विल बी टेकन एज द कैरी टू दंड्रेड प्लेस सो हंड्रेड प्लेस में जो कैरी आएगा वो थ्री के ऊपर लिखेंगे क्योंकि थ्री जो कैरी था वो जनरेट हुआ था फोर से मल्टीप्लाई करने के बाद अब टू से मल्टीप्लाई करने के बाद जो कैरी आएगा हम वो सेकेंड रो में लिखेंगे नाउ डू दल्टीप्लीकेशन इन हंड्रेड प्लेस वी हैव डिजिट टू इन आर मल्टीप्लीकेट सो टू मल्टीप्लाइड बाई टू 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 फोर प्लस दिस कैरी इज इक्वल टू फाइव ओके Now, next in thousand place, we have digit 3 over here. 3 multiplied by 2. 3 twos are 6. So, we will write 6 under the thousands place column. Now, we have to add both the products 4 plus 0 is equal to 4. 2 plus 2 is equal to 4. 6 plus 1 is equal to 7. 3 plus 5 is equal to 8. वन प्लस सिक्स इज इक्वल टू सेवन सो द फाइनल प्रोडक्ट इज सेवेंटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी फोर क्या आया आंसर यहाँ पे सेवेंटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी फोर ना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन फ्रॉम द एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फोर हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई टू थाउजेंड फोर्टी वन बाई फोर्टी सेवन हमने टू थाउजेंड फोर्टी वन को मल्टीप्लाई करना है फोर्टी सेवन से ओके सो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन दिस वे आव टू मल्टीप्लाय टू थाउजेंड फोर्टी वन बाय फोर्टी सेवन सो टू थाउजेंड फोर्टी वन इज द मल्टीप्लीकेंट एंड फोर्टी सेवन इज द मल्टीप्लायर सो यहाँ पे भी जो मल्टीप्लायर है वो टू डिजिट है ठीक है so सो पहले कॉलम मेथड में हम क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लीकेंट को लिखेंगे फिर मल्टीप्लीकेशन साइन देन वी विल राइट आर मल्टीप्लायर नाउ इन आर मल्टीप्लायर वी हैव सेवन

सेवन इज एट वंस प्लेस सेवन कहाँ पे है वंस प्लेस में तो हमेशा हम वंस प्लेस के डिजिट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लीकेंट को ओके सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग वन मल्टीप्लाइड बाय सेवन इज इक्वल टू सेवन सो वी हैव टू राइट सेवन अंडर द दंस प्लेस कॉलम नेक्स्ट नेक्स्ट डिजिट इन द मल्टीप्लीकेंट इज फोर फोर मल्टीप्लाइड बाई सेवन फोर सेवन ज ट्वेंटी एट सो वी विल राइट एट

टू सेवनजा फोर्टीन सो फोर्टीन कैसे लिखेंगे थाउजेंड प्लेस में आएगा फोर और वन चला जाएगा टेन थाउजेंड प्लेस में ठीक है so, सो ऐसे फोर्टीन लिखेंगे सो द प्रोडक्ट इज़ फोर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी सेवन सो नाउ वन प्लेस के डिजिट की मल्टीप्लीकेशन हो गई अभी टेंस प्लेस के डिजिट की मल्टीप्लीकेशन लिखनी है तो बिफोर दैट वी हैव टू गिव द प्लस साइन नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाई दी टेंस प्लस डिजिट ऑफ आर मल्टीप्लायर सो बिफोर मल्टीप्लाइंग बाई टेंस प्लस डिजिट वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू राइट वन जीरो अंडर दंस प्लस कॉलम जो वंस प्लस है उसमें हम क्या लिखेंगे पहले एक जीरो लिखेंगे क्यों लिखेंगे क्योंकि अब हम मल्टीप्लीकेशन करने हैं कर अब हमने मल्टीप्लीकेशन करना है टेंथ प्लस के डिजिट से दैट इज बाय वी हैव टू राइट वन जीरो अंडर दंस प्लस कॉलम फोर मल्टीप्लाइड बाय वन फोर मल्टीप्लाइड बाय वन इज इक्वल टू फोर तो ये फोर कहाँ लिखेंगे आंसर में टेंथ प्लेस के नीचे लिखेंगे नाव नेक्स्ट डिजिट इज फोर फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर फोर फोर्स आर सिक्सटीन सो अंडर दंड्रेड प्लेस कॉलमिल राइट सिक्स एंड वन विल बी टेकन एज अ कैरी टू दैक्सट प्लेस दैट इज हंड्रेड प्लेस और वो कैरी कहाँ चला जाएगा कैरी चला जाएगा सेकेंड रो में जो टें प्लस के मल्टीप्लायर टें प्लस के डिजिट की कैरी होगी ठीक है नाव हियर नेक्स्ट डिजिट इज जीरो जीरो मल्टीप्लायड बाय फोर इज इक्वल टू जीरो जीरो प्लस द कैरी वन इज इक्वल टू वन नाव इन थाउजेंड प्लस वी हैव टू टू मल्टीप्लायड बाय फोर टू फोर जट सो अंडर दाउजेंड प्लस वी विल राइट एट Now we have to add both the products to write down the to find the final product. 7 plus 0 is 7, 8 plus 4 is 12, carry 1, 1 plus 2 is 3, 3 plus 6 is 9, 4 plus 1 is equal to 5, 1 plus 8 is equal to 9. So the final product is 95,927. So, in this way, we have finished with the exercise 5.4. And if you have any doubt related to any question from the same exercise, you can ask your doubts anytime. Till then, thank you. Have a good day. See you tomorrow.